हमारा पहला टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी CES का प्रोडक्शन फंक्शन। देखो जो आपका CES यानी कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन है ना, इसमें ना स्केल पैरामीटर्स होते हैं। एक पहले तो डायरेक्टली इसको करने से पहले ना एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ, अगर तो आपको कोई पूछ ले कि जो कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन के अगर तो स्केल पैरामीटर्स ग्रेटर देन वन है, तब जो उसके रिटर्न्स होगे ना वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो स्केल होगी। देखिए हम जब इकोनॉमिक्स करते हैं, हमने कितने ही प्रोडक्शन फंक्शंस किए हैं, उसमें रिटर्न्स आते होते हैं ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। सेम वे में जो आपका CES है यानी कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें भी स्केल पैरामीटर्स आते हैं, इसमें भी तीन रिटर्न्स होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कॉन्स्टेंट। सो पेपर में सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्वेश्चन आता है। सो अगर तो आपके कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन के स्केल पैरामीटर्स ग्रेटर देन वन है यानी आर ग्रेटर देन वन है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब हो रही है। अब जो ये है, अब डिटेल में चलते हैं। देखो जो हमारा CES है, जो CES का प्रोडक्शन फंक्शन है, ये ना एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे नॉर्मल हर प्रोडक्शन यानी हर फंक्शन एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, सेम तरीके से ये भी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये है किसकी? देखो जो आपके रिलेशनशिप इनपुट्स यानी जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड जो आउटपुट है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो उसकी रिलेशनशिप है उसकी ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी इन शॉर्ट जब आप इनपुट्स डालते हो, इनपुट से आउटपुट बनता है, उन दोनों में जो रिलेशनशिप है जब हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाता है हमारा CES प्रोडक्शन फंक्शन। यानी इनपुट हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरनल, और आउटपुट जो बन के निकलेगा। सो इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है ये है कि जो हमारी कॉन्स्टेंट, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टेंट है इनपुट्स के बीच में। मतलब इसकी यही जो आपका CES प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी मेन करेक्टरिस्टिक है ही ये कि हमारी इनपुट्स के बीच में कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगी। ठीक है, यानी जो हमारा CES प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें जो स्केल पैरामीटर्स आएंगे यानी जो आर है जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो डिटरमाइन करेगा कि डिग्री कितनी है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंटैरिटी की इनपुट्स के बीच में। मतलब जो इनपुट्स आप यूज़ कर रहे हो वो उनके बीच में जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी या कॉम्प्लीमेंटैरिटी है वो कितनी है, ये हमें स्केल पैरामीटर्स बताएंगे जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। यानी अगर तो R ग्रेटर देन वन होगा तो ये इंडिकेट ये करेगा कि जो इनपुट्स है ना वो हाईली सब्स्टिट्यूटेबल हैं, मतलब उनमें सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की डिग्री बहुत ज़्यादा है आपस में। यानी अगर मैं आपको इस चीज़ को रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, तो जो फिर अगर तो हम इस सारी चीज़ को रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्केल पैरामीटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो रिटर्न टू स्केल है उसका पहले तो उसका मतलब समझो। देखो रिटर्न टू स्केल का सिंपल मतलब होता है जो रिलेशनशिप है जब एक प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रहा है ऑल सभी इनपुट्स में और उसके कारण आउटपुट कितने इंक्रीज हो रहा है। मतलब सिंपल ये मैं समझाता हूँ, यानी रिटर्न्स टू स्केल सिर्फ इतना बताते हैं कि अगर सारे इनपुट्स जो आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो उनमें अगर प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है, उस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज के कारण जो उनसे आउटपुट बन रहा है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हमें रिटर्न्स टू स्केल बताता है। ठीक है, ये रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है। और रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्टेक्स्ट में स्केल पैरामीटर्स बड़े क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सो जो स्केल पैरामीटर अगर तो ग्रेटर देन वन होगा तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, जिसका क्वेश्चन पेपर में पूछो मत कितनी बार आया। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अब होगा क्या? देखो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि जो आप प्रोपोर्शनेट जो इंक्रीज हो रहा है जितने भी इनपुट्स यूज कर रहे हो आप प्रोडक्शन में, जो उसके इंक्रीज होने के साथ जो आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है वो उसके इंक्रीज से ज़्यादा है। सिंपल वे में समझाता हूँ, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इनपुट्स का प्रोपोर्शनेट इंक्रीज है वो अगर 20% से हो रहा है तो जो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना इनपुट के इंक्रीज होने के कारण वो 50% हो रहा है, मतलब उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो स्केल, जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन यानी आपका स्केल है जो प्रोडक्शन का वो एक्सपेंड करता है तो आउटपुट इंक्रीज होगा एक हायर रेट पे, मतलब आउटपुट इंक्रीज होने का रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो ये हमें ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में बताता है, मतलब ये चीज़ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट करती है और सजेस्ट करती है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव है, तभी आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन ग्रो हो रहा है। यानी अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट ना होता और यानी आप इवन कॉस्ट इफेक्टिव ना होता तो कभी भी आपको इतना अच्छा आउटपुट मिलना ही नहीं था। तो ये था CES प्रोडक्शन फंक्शन। अब
आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जो इसके सेम लेवल पे इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, जो पेपर में बहुत बार आया, सो इसको करते हैं। अब जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, सेम उसका जो फॉर्मूला वो है क्यू इज इक्वल टू ए के की पावर ए एल की पावर बी। यानी आपकी स्क्रीन में आप एक बार यहाँ पे देख भी सकते हो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो क्यू है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, जो के है वो कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, यानी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एल लेबर को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है वो कांस्टेंट है, और जो ए और बी है वो आउटपुट इलास्टिसिटीज हैं कैपिटल और लेबर की, यानी दोनों इनपुट्स हैं, कैपिटल भी इनपुट है लेबर भी इनपुट है, सो दोनों की आउटपुट इलास्टिसिटीज हैं। सो जो अंडरलाइंग रिटर्न टू स्केल है, यानी जो जैसे हमारे सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न्स टू स्केल थे ना, सेम वे में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में भी रिटर्न्स टू स्केल है, इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंस और डिक्रीजिंग। अब जो आपके अंडरलाइंग रिटर्न टू स्केल है वो उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसको डिटरमाइन करेंगे जो ए एंड बी है, यानी जो हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी है ना, उनका दोनों का टोटल रिटर्न्स टू स्केल को इंडिकेट करेगा। यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी या तो वो बराबर होगा वन के, या वन से ग्रेटर होगा या वन से कम होगा। सो ये बेसिकली ए और बी क्या था, हमारी कैपिटल और लेबर की आउटपुट इलास्टिसिटीज। अब अगर ए प्लस बी दोनों का टोटल ग्रेटर देन वन आता है तो जो हमारी रिटर्न्स टू स्केल होगी वो इंक्रीजिंग होगी, जिसका क्या मतलब है, अगर हम कैपिटल और लेबर दोनों को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करते हैं, उन दोनों के इंक्रीज होने से जो आउटपुट इंक्रीज होगा ना, वो उन दोनों के टोटल से ज़्यादा होगा। अगर मान लो मैंने कैपिटल और लेबर दोनों 20% से इंक्रीज किए हैं, तो मेरा जो आउटपुट बड़ा होगा वो 50% से बड़ा होगा। ये होती है जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो। सिंपल वर्ड में मैं बताऊँ तो जब आप डबल कर देते हो इनपुट्स को, उससे डबलिंग आउटपुट निकलता है। इन शॉर्ट अगर मैंने, मतलब समझो ध्यान से, मैंने अगर अपने इनपुट को डबल कर दिया, आउटपुट डबल से भी ज़्यादा निकलेगा। ये होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो जो एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स यूज इन प्रोडक्शन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक नॉर्मल शॉर्ट टर्म का प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक लॉन्ग रन का होता है। यानी जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है वो बहुत डिटेल में बहुत लंबे टाइम पीरियड पे एक्सटेंड होकर बताता है कि जो आप इनपुट्स यूज कर रहे हो उस इनपुट से आपका आउटपुट कितना निकल रहा है। यानी जो आपका इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है और जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वो निकल रही है उस कॉम्बिनेशन का यूज करके, उसके रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। यानी वो रिफ्लेक्ट करता है कि फर्म की कितनी अच्छी एबिलिटी क्या कि वो अपने इनपुट्स को एडजस्ट कर सकती है, जैसे लेबर वो एडजस्ट कर सकती है, कैपिटल एडजस्ट कर सकती है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्रोडक्शन लेवल। मतलब सिंपल वे में प्रोडक्शन लेवल्स को चेंज करने के लिए फर्म के पास अच्छी काबिलियत है, अच्छी उसकी एबिलिटी क्या है कि वो अपने कैपिटल और लेबर के इनपुट्स को एडजस्ट कर सकती है। अब सो जो मैंने आपको अभी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बताया, जो ये मैथमेटिकली जो इसको रिप्रेजेंट किया, ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है जो लेबर और कैपिटल एज अ दोनों के कॉम्बिनेशन को इंक्लूड करता है आउटपुट को स्टडी करने के लिए। इसमें जो ए और बी के पैरामीटर्स हैं, यानी वो रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट। अब इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट को तो रिप्रेजेंट करते हैं, बट किसके कॉन्टेक्स्ट में, लेबर और कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में। सो ये प्रोडक्शन फंक्शन अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी कि हम कैपिटल और लेबर को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी वो हमारे दोनों इनपुट्स हैं, हम उनको एडजस्ट करके डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट अचीव कर सकते हैं जो हमें डिजायरेबल है। यानी फर्म जितना आउटपुट डिजायर करते हैं वो अपने इनपुट्स को उस बेसिस पे मोल्ड करके या एडजस्ट करके इतने लेवल पे लॉन्ग रन में रन कर सकती है, वो अपने आउटपुट जो डिजायरेबल है उनको अचीव कर सकती है, ठीक है। अब जो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको कॉमनली यूज किया जाता है रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए जो इनपुट और आउटपुट में होते हैं एक इकोनॉमी में। यानी बेसिकली इनपुट दो ही है, कैपिटल और लेबर, और जो उनके कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट निकल रहा है उन दोनों चीजों को जो रिलेशनशिप बन गया उसको डिस्क्राइब करने के लिए कॉब डगलस प्रोडक्शन यूज किया जाता है। अब मैथमेटिकली आपने देखिए आपकी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हो, यानी यहाँ पे जो क्यू है वो आउटपुट है, एंड ए है जो एक कांस्टेंट फैक्टर है जो एक टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि जो ए को कांस्टेंट फैक्टर को लेने का कारण ही ये है कि यानी जितने भी आप फैक्टर्स यूज कर रहे हो ना, जो उसकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी वो कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है।
कि ये कैपिटल को डिनोट करता है, एल लेबर को करता है, ए और बी आउटपुट इलास्टिसिटी या कैपिटल और लेबर की, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। सो बस एक चीज़ याद रखना, इसमें जब जैसे नॉर्मल तो हम एक पैरामीटर लेते हैं ना, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में दो पैरामीटर्स लिए जाते हैं, ए प्लस बी। अगर उनका टोटल ग्रेटर देन वन होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, इक्वल टू वन होगा तो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, लेस देन वन होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगी, ठीक है। सो ये चीज़ हमने कर ली। अब जो एक कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इस ये ना एक वाइडली यूज्ड इकोनॉमिक मॉडल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन में, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स एक्सपोनेंट ए अल्फा और बीटा में, जो आउटपुट इलास्टिसिटी है कैपिटल और लेबर की। यानी ये फंक्शन इतना डिटेल में आउटपुट इलास्टिसिटीज को यूज़ करके रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करते हैं कि इससे इंसाइट्स बहुत मिल जाते हैं। यानी आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपको किस तरीके से अपने इनपुट को एडजस्ट करके या मोल्ड करके कितने लेवल पे प्रोडक्शन करनी है, जो आपके मार्केट कंडीशंस को पूरा कर देगी, ठीक है। सो समझ आ गया, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसमें जो आपका इसको एक और तरीके से क्यू की जगह पे वाई भी लिखा जा सकता है, यानी वाई भी टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप दोनों में से कौन सा मर्जी चूज कर लो। सो जब आप अगर इसमें एक और मैं आपको बताऊं, जो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी जो जब इसको आप कॉन्टेक्ट रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करोगे, तो तब आपको कैपिटल और लेबर पे कुछ इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दो इकलौते पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज करके अपना बता सकते हैं कि हमें, मतलब इनको चेंज करके जितना हमें अपना प्रोडक्शन आउटपुट चाहिए उसको हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक ना आया था, अगर हमने इस केस को अच्छे से स्टडी करना कि अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन वन है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक सिनेरियो लेते हैं। देखो दोनों जब हम अल्फा और बीटा, यानी ए और बी कह लो या अल्फा बीटा कह लो, यानी जब इनका सम ग्रेटर देन वन हो जाता है, ये तो हमें बड़ा अच्छे से सिंपल पता है कि हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पे चले जाते हैं। यानी इसमें क्या बेसिकली वो डिपिक्ट करना चाहते हैं कि यानी जो आउटपुट होगा ना वो डबल से भी ज़्यादा होगा जब हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे, मतलब कैपिटल और लेबर के जब कॉम्बिनेशन से हम इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे ना, जो उसमें इंक्रीज आएगा उससे भी डबल से ज़्यादा इंक्रीज आएगा आउटपुट में। सो ये हमारी मेन चीज़ है, यानी अगर हम इनपुट्स को प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट में इंक्रीज आ रहा है ना, वो लार्जर इंक्रीज आएगा अगर हम जो हमने इंक्रीज इनपुट्स में किया। अगर मान लो हमने 10% इंक्रीज इनपुट्स में किया तो 10 से डबल 20 हो गया, 20 से भी ज़्यादा, यानी नियर अबाउट 30-40 जितना होगा वो उतना हमारे आउटपुट में इंक्रीज आएगा अगर हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में ऑपरेट करें। यानी ये चीज़ सजेस्ट करती है कि जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड हो रहा है, हम पोटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स में जा रहे हैं, मतलब हमें ऑप्टिमम आउटपुट मिल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम काम कर रहे हैं, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के बेनिफिट अचीव हो रहे हैं, हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंड हो रहा है। जैसे एक तो इससे इम्प्रूवड ले, ये चीज़ें कब होती हैं, जब इम्प्रूवड स्पेशलाइजेशन हो जाए, मतलब जो बंदे एक बार चीज़ रिपीट कर रहे हैं, रिपीट यानी आप एक ही चीज़ पे कैपिटल और लेबर ला रहे हो, यानी उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, वेस्टेज कम हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम हो जाएगी, यानी बेटर यूटिलाइजेशन, हमारी जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इससे एट द एंड क्या होगा, जो आउटपुट हम अचीव करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, बहुत हायर लेवल पे होगा, ठीक है। सो इसकी इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो तीन रिटर्न्स है, वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर ए प्लस बी वन है तो वो हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इंडिकेट करता है, यानी जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज हमारे इनपुट्स में हो रहा है सेम एज इट इज उतने ही लेवल का प्रोपोर्शनल इंक्रीज हमारे आउटपुट में हो रहा है। से नेक्स्ट आती है, अगर ए प्लस बी हमारी लेस देन वन है तो जो ये होती है हमारी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसमें जो प्रोपोर्शनल इनपुट्स में हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके कारण जो आउटपुट में प्रोपोर्शनली कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हमने 20% से अपना इनपुट बढ़ाया तो जो आउटपुट है जस्ट वो 10% से ही बढ़ा, ये होगी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट हमारी आती है जब ए प्लस बी ग्रेटर देन वन, इसमें ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसमें जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रहा है इनपुट में उससे डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज आउटपुट में हो रहा है। सो ये होगी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब उन्होंने एक पेपर में क्वेश्चन डाला था, वो कह रहे थे उन्होंने कॉब डगलस का एक प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया था न्यूमेरिकल टर्म्स में, अगर आप चेक कर लो तो वो था क्यू इज इक्वल टू 10 के 0.6 एल 0.8। अब
अगर आप 0.6 और 0.8 का प्लस करो, यानी जो कि ए और पी प्लस बी है, सो इनका जो टोटल है वो 1.4 आता है। सो जो ये फंक्शन है उन्होंने पूछा था, आपको ऑप्शन दी थी कौन सी रिटर्न्स टू स्केल को इंडिकेट करता है, सो इसका टोटल 1 से ऊपर चल गया, सो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को इंडिकेट करेगा। सो जो हमारे इसमें 0.6 और 0.8 है वो जो हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी है कैपिटल और लेबर की उसको रिप्रेजेंट करता है। सो इन शॉर्ट जो हमारे के और एल है वो हमारे कैपिटल लेबर वो इनपुट्स हैं, उनकी आउटपुट इलास्टिसिटी हमें दी हुई है, उनका प्लस करो अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। यानी जो अब जब हम अपने कैपिटल और लेबर के दोनों के कॉम्बिनेशन को इंक्रीज करेंगे प्रोपोर्शनेटली, जो हमारा आउटपुट उससे इंक्रीज होगा डबल से भी ज्यादा इंक्रीज होगा, वो ही इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है कि आप कुछ स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स टू फोरकास्ट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। अब डिमांड फंक्शंस अगर यूज किए जाते हैं तो वो ना फोरकास्टिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। उन्होंने पेपर में क्वेश्चन डाला था, मतलब एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपनी डिमांड को फोरकास्ट करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली, उसके प्रोसेस के स्टेप्स बताओ। यानी उन्होंने आपको जंबल्ड वे में कर दिया था, उन्होंने कहा था इसको आप सीक्वेंस में करके बताओ। सो सबसे पहले होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके डिमांड फोरकास्टिंग का प्रोसेस जो आप करने जा रही हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, उसके लक्ष्य क्या, क्यों आप ये प्रोसेस करना चाह रहे हो। मतलब अगर आप डिमांड फोरकास्ट करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में चल क्या रहा है कि ये चीज़ करने क्यों है, कई क्यों करते हैं, अपनी फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए या अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने, डिटरमाइन करने। मतलब दो ही मेजर कारण है डिमांड फोरकास्टिंग, या तो इसलिए की जाती है कि आपको सेल्स पता चल सके आपके प्रोडक्ट फ्यूचर में आने वाले टाइम में कितना बिकेगा। देखो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना आपको रेवेन्यू होगा, यानी उतना आपका प्रॉफिट होगा, उतना आप अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन कर पाओगे। एक तो ये चीज़ के लिए डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है, दूसरा हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, यानी आपको ये भी पता लगाया जाता है डिमांड फोरकास्टिंग के कारण कि आपको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। मतलब कि अगर आपके फ्यूचर में प्रोडक्ट्स की ज़्यादा सेल होने वाली है तो फिर आपको डैम श्योर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मतलब जब डिटरमाइनिंग करते हो, मतलब डिटर्मिनेशन करते हो कि अगर आपको लगता है कि भाई प्रोडक्शन में तो सेल्स बहुत कम होने वाली है, तो फिर आपका जो आपने आउटपुट बना लिया वो ज्यादा वो वेस्ट हो जाएगा, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। सेकंड स्टेप आता है डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव, यानी आप डिटरमाइन करते हो टाइम पीरियड जिसमें जिसके लिए आपको डिमांड फोरकास्ट की नीड है, मतलब कौन से टाइम पीरियड के लिए आपने डिमांड फोरकास्ट करनी है। अब वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, मीडियम के लिए होगी या लॉन्ग टर्म के लिए। देखो कई बार तो एक दो महीने, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी डिमांड देखी जाती है कि इन महीनों में डिमांड कैसी होगी, कई बार मीडियम टर्म के लिए, कई बार आगे सालों साल देखी जाती है कि हमारे अगले आने वाले फ्यूचर ईयर्स में जो अनप्रडिक्टेबल है उसमें हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। थर्ड स्टेप आता है मेकिंग चॉइस ऑफ मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। अब देखो डिमांड फोरकास्टिंग के आपने मेथड्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे मेथड, आपने मेथड चूज कौन सा करना है। हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स भी स्पेसिफाई कर लिया, हमने टाइम पीरियड भी सोच लिया भाई इस टाइम पीरियड के लिए हमने डिमांड को फोरकास्ट करना है। अब आप मेथड चूज करोगे कि कौन से मेथड को फॉलो करके डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। अब जो हम अप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक डिमांड फोरकास्टिंग की यूज़ कर लेंगे, अब जो ये आप मेथड चूज करोगे ना, ये इसके भी बेसिस अलग अलग है, मतलब कई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आप कौन से मेथड के साथ जाओगे। जैसे कि आपके पास डाटा कितना अवेलेबल है, कई मेथड्स हैं टेक्निक्स ऐसे जिसमें डाटा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, माइट भी आपके पास उतनी डाटा रिक्वायरमेंट फुल हो ही ना पाए, सो आप उस मेथड को नहीं यूज कर सकते। आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए, मतलब आप एरर्स को, अगर एरर्स राइज हो रहे हैं वो आपके लिए हार्मफुल होंगे या कुछ नहीं, आप उनको एडजस्ट कर पाओगे, यानी एक्यूरेसी कितने हद तक चाहिए, या आपके प्रोडक्ट की नेचर कैसी है। यानी इन शॉर्ट ये तो मैंने आपको तीन फैक्टर्स बताए ना, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको दिमाग में रख के डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड को चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड डाटा एडजस्टमेंट। अब आप जितना आपका रेलिवेंट डाटा है फैक्टर्स के रिगार्डिंग जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रही है उसको आप कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। देखो डिमांड को इन्फ्लुएंस करना, एक डिमांड जो इन्फ्लुएंस होती है ना उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी इतने फैक्टर्स हैं वो अलग अलग बंदे, कंज्यूमर्स के अपने फैक्टर्स हैं, मार्केट के अपने फैक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर के अपने फैक्टर्स हैं, वो सारे ना डिमांड पे इन्फ्लुएंस डालें, उनको आपको उनके रिगार्डिंग आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। माइट भी हिस्टोरिकल सेल्स डाटा आपको चाहिए, यानी आपने पिछले सालों में कैसी सेल्स की उसके रिगार्डिंग डाटा चाहिए आपको, मार्केट के ट्रेंड्स कैसे हैं, मार्केट चल कैसे रही है, डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है,
कस्टमर किस चीज़ को प्रेफरेंस कर रहा है, माइट भी आपके प्रोडक्ट की प्रेफरेंस कस्टमर कर ही ना रहा हो, और इवन कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। सो जितने भी आपके पास पॉसिबल है आप डाटा गैदर करो, जितने फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिमांड को उनके रिगार्डिंग, उसके बाद एडजस्ट किया जाता है डाटा को अगर ज़रूरत पड़े, ताजो हम आउटलायर्स और एनोमलीज को कंसिडर कर पाए, मतलब डाटा एरर्स को लेकर एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेप इसमें आता है हम एस्टिमेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। यानी जब हमने अब अप्लाई करेंगे, हमने जो डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड चूज किया था ना कि हमने इसके थ्रू डिमांड फोरकास्टिंग करनी है, डाटा भी हमारा पिछले स्टेप में आ गया, अब हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे जो हमने कलेक्टेड डाटा किया, मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया था ना रिलेटेड टू डिफरेंट फैक्टर्स जो डिमांड में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पे हम डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड अप्लाई करेंगे, डाटा को एडजस्ट करेंगे ताजो हमें फोरकास्ट मिल सके, हमें इनसाइट्स मिल सके कि हमारी फ्यूचर में डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, यानी कोई स्पेसिफिक एरिया हमें बेनिफिट लाएगा या नहीं लाएगा। यानी डिमांड फोरकास्टिंग अकेली पूरी जरूरी नहीं, हमें पूरी मार्केट के लिए करनी है, माइट भी आप सेगमेंट के लिए कर लो, कोई मतलब एक एरिया के लिए कर लो, माइट भी आप पूरी स्टेट के लिए कर लो, ये आप पे डिमांड करता है। ठीक है, सो जो आपके पास डिमांड फोरकास्टिंग के बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे आप उनको इंटरप्रेट करोगे और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या पड़ेंगे आपकी डिसीजन मेकिंग के, उसको आप एनालाइज करोगे। क्योंकि देखो अगर तो आपने डिमांड फोरकास्टिंग किया, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो किया, आपने डाटा गैदर किया, आपके पास रिजल्ट्स आए, तो ऑब्वियसली बात है ना आप उन रिजल्ट्स को यूज़ करोगे जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर आपने उन रिजल्ट्स को यूज़ ही नहीं किया तो डिसीजन मेकिंग करने में तो फिर डाटा फोरकास्टिंग का फ़ायदा ही क्या हुआ। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं, इन अ कॉम्पेलिंग लाइन है वो समझो, इन अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म द डिमांड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। देखो जो फर्म्स हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं यानी जिनका कॉम्पिटिशन बड़ा इंटेंस है दूसरी फर्म्स के साथ, और उनका जो मेन मुद्दा वो यही है कि उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो जब उन देखो लेबर बींग एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, जो डिमांड है लेबर के लिए वो डिटरमाइन करती है जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी एमपी ऑफ लेबर ही डिटरमाइन करता है डिमांड लेबर की एक कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म में। अब जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का वो रिप्रेजेंट करता है जो एडिशनल रेवेन्यू फॉर्म जनरेट करेगी अगर वो एक यूनिट ऑफ लेबर इंप्लॉय करते हैं। मान लो सपोज करो अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 बंदे लेबर के हैं, ठीक है, वो काम करके 100 रुपया कमा के दे रहे हैं। अब जब आप 11वां बंदा लगा रहे हो, उस एक बंदे के इंक्रीज होने के साथ आपका रेवेन्यू कितने से बढ़ रहा है, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कह देते हैं। ठीक है, यानी जो फॉर्म का एम है वो क्या है, वो जस्ट सिंपल इतना है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, लेबर को उस पॉइंट तक हायर करना है जहां तक उनका मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का है वो उनके वेज रेट के बराबर है। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, देखो लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, उनका एक रेट होगा, जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आपके वेज रेट के बराबर नहीं होता तब तक आप लेबर हायर कर सकते हो, तब तक आप बेनिफिट में ही रहोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करते रहोगे। अगर आपका जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्ट की वो हायर होगी वेज रेट से, तब जब आप एडिशनल लेबर हायर करोगे उससे आपका फर्म का रेवेन्यू बढ़ेगा ही, क्योंकि जो रेवेन्यू है ना वो ज़्यादा होगा कि जो आप एडिशनल वर्कर को कॉस्ट यानी इन उसकी वेज रेट के रूप में जो उसको कॉस्ट बियर कर रहे हो उससे ज़्यादा होगा। सो इन शॉर्ट इससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो अगर एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, अगर आपका वेज रेट है मान लो 50 रुपीज़ पर वर्कर और जो आपने एडिशनल बंदा हायर किया वो आपको 80 रुपये जनरेट करके दे रहा है, यानी 80 रुपये वो आपको बना के दे रहा है, 50 आप उसको दे रहे हो, तो अभी भी 30 आपको ही फायदा हो रहा है। सो ये था फर्स्ट चीज़। और दूसरे हाथ अगर आपका लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो जाता है आपके वेज रेट से, तब आपके लिए एडिशनल लेबर को हायर करना कॉस्टली पड़ेगा, आप नुकसान में चले जाओगे, आपके रेवेन्यू जनरेट होने के बजाय कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपके जो डिमांड है लेबर की वो रिड्यूस हो जाए। क्यों? देखो मान लो अगर आपका एडिशनल लेबर हायर करने से आपको 50 रुपया वेज रेट देना पड़ रहा है, बट जो वो एडिशनल बंदा आपने हायर किया जो आपको वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है वो अब 30 का दे रहा है, मतलब 50 आप उसको पे कर रहे हो, 30 वो आपको कमा के दे रहा है, यानी 20 आपकी पॉकेट से जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, वो तो रिड्यूस हो गया। सो इस पॉइंट पे आपकी डिमांड लेबर की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो बेस्ट फर्म्स हैं वो लेबर के मार्जिनल प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, अगर तो मार्जिनल प्रोडक्ट वेज रेट से ऊपर है वो हायर करते जाएंगे क्योंकि उनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे उस सिचुएशन में। जब वेज रेट
मार्केट प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर हो जाएगा, तब हायरिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर वो जाते हैं तो लेबर उनको बेनिफिट नहीं देगी, उनको नुकसान ही मिलेगा, रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होंगे जब बल्कि प्रॉफिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये था आज के सेशन का लास्ट टॉपिक।